अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। गुजरात के ज्यादातर जिलों में इस वक्त भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां गुजरात में भी उफान पर हैं। नवसारी में अंबिका, कावेरी, पूर्णा नदी उफान, इसी की वजह से निचले इलाकों में सैलाब। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं निचले इलाकों में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नवसारी की तस्वीरें हैं और ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा नवसारी शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो जो साउथ गुजरात वाला इलाका है उसके एक बड़े शहरों में नवसारी भी आता है और ये नवसारी शहर इस समय पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लोगों के मकान में, दुकान में, हर जगह पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्ण ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा बताइए कृष्णा, ये नवसारी की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तो बुरा हाल यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल रमाना, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवसारी में और नवसारी का ये आप दृश्य देख रहे हैं, ये कालियावाड़ी इलाका है जहाँ पर पूर्णा नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कारण से जो निचले इलाके हैं नदी से सटे हुए वहाँ पानी जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। आप देखिए कि तस्वीर यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं इस रोड पर उनको निकलने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नदी से 2 किलोमीटर के दायरे में ये रोड है और ये कालियावाड़ी इलाका आप देखेंगे तो दोनों की तरफ जो पानी है इस वक्त वो कम से कम 3 से 4 फीट तक है। बताया ये गया है कि बीते 12 घंटे से यानी कि लगातार रात से ही यहाँ बारिश हो रही है और इस वजह से ये मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा, तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने अब तक जो है वो कम से कम 150 से 200 लोगों को रेस्क्यू किया है और सुरक्षित जगहों पर भेजा है। स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है, साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की जो टीम है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। तो कमोवेश जो पूर्णा नदी का जल स्तर है वो आपको बता दूं कि जो डेंजर लेवल सेट किया गया है वो 23 का सेट किया गया है और इस वक्त पूर्णा नदी जो है वो उफान पर है और उस पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसी वजह से रोमाना 23 का जो डेंजर लेवल है वो पार करके पूर्णा नदी इस वक्त 26 से 27 के लेवल पर बढ़ रही है और यही कारण है इस तरीके का कहर बरपा रही है। वो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, कृष्ण ठाकुर खुद नवसारी में मौजूद और वो बता रहे हैं कि नवसारी का ये जो हाल है वो पूर्णा नदी में जिस तरीके से उफान आया है और जो खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त पूर्णा नदी में पानी बह रहा है वही पानी शहर के भीतर घुसकर ये एक तरीके से त्रासदी फैलाता हुआ नजर आ रहा है।